वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका 26th मई 2024 पिछले हफ्ते तक मींस 20th ऑफ मई से 24th ऑफ मई तक करेंसी मार्केट में क्या-क्या एक्टिविटीज हुआ है, स्पेशली द एफओएमसी मिनट्स जहां पे डॉलर में थोड़ा सा हॉकिश स्टांस दिखा दिया। बेसिकली यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है आपका यहाँ पे? सपोज इस साइड में आपका एक पार्टी है, इस साइड में दूसरा पार्टी। सपोज दिस इज ए आपका बैडमिंटन का गेम, ये बैडमिंटन का कोर्ट है एंड दिस आर द टू पार्टीज। तो क्या हो रहा है, एक बार बॉल ए के पास आता है तो फिर उसको बी के पास दे रहा है एंड फिर दोबारा बी क्या कर रहा है, ए के पास दे रहा है। व्हाट इज दिस अबाउट द करेंसी मार्केट? मान लेते हैं ए इज नॉट कटिंग द रेट्स एंड बी इज अबाउट टू कट द रेट्स, दे आर द टू पार्टीज। कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं जिसके कारण एक पार्टी बोलते हैं कि शायद सितंबर में रेट, कुछ समय के बाद फिर पार्टी बी बोलता है नहीं 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 हमारा वो जो टारगेट वो नहीं आ रहा है एंड हम अभी तो देखेंगे। तो जैसे ही बॉल एक साइड में आता है उसके कुछ ही दिनों के अंदर में बॉल दूसरे साइड में चला जाता है। ये हो गया आपका गेम जो डॉलर इंडेक्स में मिस फेड का रेट कट रिलेटेड कैलकुलेशंस चल रहा है अभी। ये तो सबको पता है कि ये चल रहा है, लेकिन अभी हमें देखने वाला बात है कि इसके बिहाइंड क्या एक्सपेक्टेशंस। अभी देखोगे कि ये जो ए बॉल को बी के पास भेज रहा है एंड बी बॉल को ए के पास भेज रहा है, ऐसे करते करते कब से कर रहा है। अब देखोगे 22 नवंबर ऑनवर्ड्स वही गेम हो रहा है, नीचे आ जाता है, सर्टेन कमेंट्स आ जाते हैं, फिर ऊपर चला जाता है, फिर सर्टेन कमेंट्स आते हैं एंड सो ऑन। अभी लेटेस्ट जो एफएमसी मिनट्स आया है उसमें फिर हॉकिशनेस के बारे में डिस्कस किया। सो फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है एज फार एज द डॉलर इंडेक्स इज कंसर्न्ड। पार्ट चार्ट के हिसाब से भी हम आगे देखेंगे जब ये प्राइस इस एरिया पे था, कौन सा एरिया पे, 15 अप्रैल वाला वीक या 22 अप्रैल वाला वीक, वहां से ये नीचे आया, कहां तक आया, सेंट्रल बैंक ऑफ द बोलिविया में। अभी क्या यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते था, एक तो है यहां पे सपोर्ट ले, क्योंकि यहां पे सीएपी सपोर्ट भी है, सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास करेगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा। दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज दैट आर अवेलेबल एट दिस जंक्शन। सो यहाँ पे अभी एफएमसी मिनट्स के बाद अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज लग रहा है, यानी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हो रहा है। वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 104.75। अभी व्हाट नेक्स्ट, ऐसा होता लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में डॉलर इंडेक्स में दोबारा जो रिसेंट हाई है उसकी तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटी से, कहां तक जाने का, 106.20 से 106.50 की तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटी है। इतने राइडर, क्या राइडर है, ये जो पिछले हफ्ते का एक बुलिश कैंडल बना है उसका एक लो है 104.39, इसके लो के नीचे आगे क्लोज दे देते हैं कमिंग वीक में यानी 27 मई ऑनवर्ड्स। इन सच केस डॉलर इंडेक्स में फर्दर सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो we are going into two parallel approach. One approach is that यहाँ पे ये support ले रहा है and थोड़ा सा ऊपर की तरफ bounce करने का possibility है। जैसा भी हम उसका तोड़ भी देख रहे हैं कि अगर ये पिछले हफ्ते का जो low है, कौन सा low है, 104.39, so let us take it 104.30. इसके low के नीचे अगर sustain करते हैं तो price action के हिसाब से थोड़ा सा weakness हम dollar index में देख सकते हैं and मैं मूव टुवर्ड्स 102.75 के तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है।
अभी हमें मंडे ऑनवर्ड्स देखना है कि क्या ये ऊपर निकल जाते हैं या सर्टेन नेगेटिव पैटर्न्स प्राइस पैटर्न्स दिखाते हैं। ये हो गया डॉलर इंडेक्स। और गेम क्या है? गेम जो हमने डिस्कस करते हैं, ए टू बी, ए के पास बॉल आता है तो फिर बी के पास भेजता है, बी के पास बॉल आता है तो ए के पास भेजता है। तो ऐसा करके कितने दिन तक बॉल एक दूसरे के हाथ में पास करेगा ये हम देखने वाला बात है। एक सर्टेन समय उसके बाद क्या होगा, चल अभी बॉल तू अपने पास ही रख और इसके बाद तू मेरे को मत दे, तो वो वक्त कब आएगा उसके लिए हमें अभी मार्केट बेसिकली क्या वेट कर रहा है कि यूएस फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका जीडीपी डेटा का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमें देखना है क्या जीडीपी डेटा कैसे आते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर एनालिसिस। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया है वो स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ 1.2735 में जाके क्लोज दिया है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस बहुत पहले का एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस था, इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर, मींस ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज की जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.2850 की तरफ जाने का था। अभी कहां तक हाई मारा है, 1.2760 तक मारा है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें ये जो देखना है आरएसआई को देखना है, वीकली आरएसआई अप्रोचिंग 60, क्या ये रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा, यानी आरएसआई क्या 60 के नजदीक आके फिर दोबारा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा। इन सच ए केस जीबीपी डॉलर थोड़ा सा सॉफ्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज अगर ये आरएसआई 60 के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे 1.2850, 1.2870 जो प्राइस वाइज जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ के ऊपर चले जाते हैं, तो कंडीशन इन सच केस जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.31। अभी हमें ये दो वीकली पर्सपेक्टिव में दो इंडिकेशंस हमें फॉलो करना है। अभी जीबीपी आईएनआर में हम अगर देखेंगे तो सिमिलरली ये जो वीकली आरएसआई है ये अभी दिस हफ्ते में हमें देखना क्या ये RSI रेजिस्टेंस लेके डाउनवर्ड मूव करते हैं। इन सच केस जीबीपी आईएनआर क्या करेगा, फिर ये सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। कौन सा सपोर्ट लेवल, 104.20 सपोर्ट जोन है, वहां पे फिर दोबारा आने का हायर पॉसिबिलिटी। ऊपर में बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस है 106.75 एंड 107.608, दीज आर द टू जोन्स। ये ऊपर की तरफ जाएगा अगर RSI 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाए। ये हो गया हमारा जीबीपी डॉलर का पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर। यूरो डॉलर भी यहाँ पे एक कल मींस लास्ट वीक का जो एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है व्हिच इज बियरिश हरमी टू द प्रायर वीक। अभी हमें देखना है ये जो ऑल्सो एन इनसाइड बाय कैंडल, ये इनसाइड बाय कैंडल के हाई के ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे पुल बैक। अगर हाई के ऊपर चले जाते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 1.10 की तरफ हो सकता है। यहाँ पे देखने वाला बात ये भी है कि आपका आरएसआई रेजिस्टेंस ऊपर 60 की तरफ, यानी ऊपर की तरफ प्राइस वाइज आपका ये एक रेजिस्टेंस है 1.10 का एंड आरएसआई वाइज 60 का एक रेजिस्टेंस, तो ऊपर में मींस थोड़ा सा प्रोटेक्शंस है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट हो सकता है जो हमारा 1.07 का एक सपोर्ट जोन है। यूरो आईएनआर सिमिलरली नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पे एक्चुअली क्या है, आरएसआई ऑलरेडी टुक रेजिस्टेंस एंड टर्नड डाउन। इसका मेन कारण क्या है, यूरो डॉलर का भी कारण है एज वेल एज डॉलर का भी कारण है, जिसके कारण यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शंस बना। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए ये जो पिछले हफ्ते का लो है इसके लो के नीचे थोड़ा सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। तो हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन में जो रेजिस्टेंस है 90.95 से 91.00 का प्राइस वाइज एक रेजिस्टेंस है एंड RSI 60 में नीचे की तरफ जो सपोर्ट वो प्रीवियस सपोर्ट जोन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। कहां पे है ये आपका है 80.75 से 89.35 का एक सपोर्ट जोन। जब तक इसको नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज नहीं करते हैं तो फर्दर
डिप डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी जून महीने में ईसीबी का रेट डिसीजन में रेट कट का फर्स्ट रेट कट का हायर पॉसिबिलिटीज है। देन इज आवर डॉलर येन। डॉलर येन में पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है। वो क्लोज क्या है आपका 156.95। जैसे कि आप देखोगे ये जब 6 मई वाला हफ्ते का वीक का क्लोजिंग था उसके बाद हमारे पास दो सिनेरियो था। आइदर प्राइस एक 154-155 से 160 की तरफ एक रहेगा उस साइड पे, और अगर इसको नीचे आना है तो ये जो ग्रीन कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, दैट इज 152.75। तो नीचे की तरफ तो आया ही नहीं, रेदर इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 158 से 160। सो 158 से 160 की तरफ अगेन बीओजे का काम हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर पे जैसे ही हम ये जो इनसाइड बार का 6 मई वाला कैंडल था इसके हाई के ऊपर ही हमें अपवर्ड बायस देखना था, अदरवाइज ये थोड़ा सा ये 29 अप्रैल का जो मदर कैंडल है उसके जोन के अंदर में ही कंसोलिडेट करना चाहिए था, और वही हो रहा है। 29 अप्रैल का मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही तीन हफ्ता चला गया। अभी इसको अगर फर्दर नीचे आना है तो 29 अप्रैल का मदर कैंडल के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। क्या ये नीचे क्लोज देता है या समहर हेयर इसके लो के आसपास आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में क्या था, ये 1.36-1.3650 सपोर्ट जोन था एंड 1.38-1.350 रेजिस्टेंस जोन था। इसी जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्लोजिंग भी हालांकि ग्रीन इन कलर है लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज दी क्योंकि प्राइस रिजेक्शन से हायर है। सो लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, जब तक इस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक डॉलर कैंडी नीचे की तरफ पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि यहाँ पे आपका ये सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में क्या हुआ, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, नीचे आया, फॉल्स ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर की तरफ चला, अभी ऊपर की तरफ चला जाके फिर फॉल्स ब्रेकडाउन किया है। इसको हम डेली चार्ट में ड्रिल डाउन करेंगे। तो ड्रिल डाउन में क्या है, ये जो रेंज के ऊपर गया यहाँ पे आपका ये 17th मई का ग्रीन कैंडल था, इसके लो के नीचे सॉफ्ट होने का था, हाई के ऊपर ये जो ब्रेकआउट किया, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी था कि ये फर्दर कंटिन्यू करे सपोर्ट लेके पुल बैक में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्रोसीड करे, या नीचे के ये जो जोन है इस जोन के अंदर में आ जाए। इस जोन के अंदर में अगर आ जाते तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। अभी फॉल्स ब्रेकआउट का फॉर्मूला के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑसी डॉलर में ट्रेड डाउन टुवर्ड्स 0.65 से 0.67 की तरफ आना चाहिए। उसके लिए ये जो कल का ग्रीन फ्राइडे का जो एक ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे फर्दर हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हमारा सीएनएच। सीएनएच जो वीकली क्लोज दे 7.25, जब तक ये 7.29-2950 के नीचे है थोड़ा सा रुपी में सीधे, जैसे ही ये 7.29-2950 के ऊपर पागलपंती के साथ मूव करेगा रुपी में काफी प्रेशर सा है। अभी रुपी को सॉफ्ट हुआ है 73.0910 के टाइप क्लोज दिया हुआ, ठीक है, हम उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में यहाँ पे एक हमारा एक सपोर्ट जोन था, कौन सा वाला, ये वाला सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन में रेस्पेक्ट किया, अभी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल है ये ग्रीन कलर का स्मॉल बॉडी कैंडल बन रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, कैंडल सपोर्ट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये जो ग्रीन कैंडल इज वेरी गुड, इसके लो के नीचे सॉफ्टनेस हो सकता है। पहला अगर नीचे आना है तो इस ग्रीन के नीचे मंडे ऑनवर्ड्स सस्टेन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो सपोर्ट जोन है 4.35-4.39 अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या अगेन टेस्टिंग द रिसेंट स्विंग हाई व्हिच इज योर 4.73 की तरफ रिटेस्ट करने का पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे हमारे दो सिनेरियोज है,
ये ग्रीन कैंडल का जो वीक पिछले हफ्ते का जो ग्रीन कैंडल का लो है उस लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं एंड ऑल्सो सपोर्ट जोन के नीचे आ जाते हैं इन सची हम एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन से ऊपर की तरफ साइडवेज ऊपर की तरफ हल्का सा मींस साइडवेज टू बुलिश मूव इन्वेस्ट टू ये ट्रेजरी। यहां पर भी सिमिलरली ये सपोर्ट जोन था 4.73 यहां पे रेस्पेक्ट किया फिर ऊपर जा रहा है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अगेन इस लेवल को छूना चाहिए, कौन सा लेवल 5.09 से 5.11 के तरफ। एक्सेप्शन क्या है, ये ग्रीन कैंडल का लो इज द एक्सेप्शन, इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं एंड ऑल्सो ये सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज देते हैं तो सॉफ्टनेस होने का पॉसिबिलिटीज है। ये हो गया आपका यूएस टू ईयर ट्रेजरी। नेक्स्ट इज हमारा ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में ये क्या हुआ, अभी देखोगे इस लेवल से इन वाला लेवल से ये यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन से क्या एक्सपेक्टेशन से ऊपर की तरफ आपका 86 20 एंड नीचे ये सपोर्ट जोन को और थोड़ा रीस्ट्रक्चर करते हैं तो ये वाला इस जोन जो नीचे की तरफ आपका 80.70 81.00 एंड ऊपर की तरफ आपका 86 86 30 तो ये जोन के अंदर में थोड़ा सा वीकली पर्सपेक्टिव में मींस साइडवेज मूव करना चाहिए। ऑल्सो रिसेंट जो डेवलपमेंट है क्या है कि हमास ने इसराइल के तेल अविव में रॉकेट लॉन्च किया है, सो मंडे ऑनवर्ड्स इस कैलिब्रेशन से थोड़ा देखना है। एंड फाइनली और यूएस डॉलर डॉलर रुपी में आप देखोगे कि यहाँ पे जब 6 मई में जब था तब हम एक अपवर्ड बायस के लिए एक्सपीरियंस के ऊपर की तरफ सोच रहे थे कि अगर इनविजिबल हैंड्स थोड़ा साइड हो जाते हैं तो शायद ये 8350 से 8370 के जो रेजिस्टेंस होने उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाए, लेकिन बैक टू बैक 2 हफ्ते में रूपी काफी सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे एक मॉडरेट सपोर्ट लेवल था 83.20 से 83.25 उसको भी तोड़ के लास्ट वीक में नीचे क्लोज दिया हुआ है। अभी हमारा 82.80 से 83.00 इज द नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हमें वही मेन तीन चीज, पहला है इनविजिबल हैंड्स क्या कर रहा है, दूसरा SENH क्या ये 7.2952950 के ऊपर सस्टेन करते हैं, हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना पड़ेगा एंड डॉलर। दीज आर द थ्री थिंग्स, अदर देन दैट द अमाउंट ऑफ इनफ्लोस दैट आर हिटिंग द मार्केट सो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा मॉनिटर करना है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लगता है कि 82.80 से 83.00 सपोर्ट जोन तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक इनविजिबल हैंड्स स्ट्रॉन्गली होल्डिंग द पोजीशंस हमें मींस ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेजर इवेंट क्या है तो दोबारा देखना है। सो एज ऑफ नाउ गोलमोल घुमा के डॉलर रुपी वही गोलमोल लेवल्स में है, 82.80 से 83 का सपोर्ट तोड़ना नहीं चाहिए। रेदर ये अगर ये जो इसराइल हमास वाला फिर ट्रिगर करते हैं तो शायद ये दोबारा 83.25 से 83.40 के बीच में चले जाएंगे। Let's see how the amount of inflows that are hitting the market as well as what sort of different factors impacting the dollar rupee appreciation or depreciation. So currency weekly analysis abhi ke liye itna hai, aasha karta hu presentation aap sabhi